गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4th, क्लास 3rd, इंग्लिश रीडर। इन हाउस गार्डन, घर के जो बगीचे होते हैं, हम लोग घर में जो बगीचे बनाते हैं उसके बारे में आप लोग देखेंगे। स्नीकिंग इन साइलेंटली इन टू द किचन फ्रॉम द डोर इन द वेरांडा, जंपिंग ओवर द स्मॉल प्लांट्स, बू साउटेड परी टू स्केयर ग्रैंडमा। स्नीकिंग मतलब होता है गुप्त रूप से, धीरे धीरे, साइलेंटली, खामोशी से, एकदम चुप होकर। इन टू द किचन फ्रॉम द डोर इन वरांडा, जंपिंग ओवर द स्मॉल प्लांट्स, बू साउटेड परी। जो परी है वो चिल्लाती है टू स्केयर ग्रैंड माँ, अपनी माँ को डराने के लिए, ग्रैंड माँ को, दादी माँ को डराने के लिए। कैसे, वो धीरे धीरे से, एकदम चुपके से आके वरांडे में, दरवाजे के पास छोटे छोटे पौधे हैं, उनको क्रॉस करके, उनको डाक के, उनको एकदम पार करके, उनको उछल के, कूद के उसके ऊपर से आके उनको बो, जैसे आप लोग डराते होंगे घर में, तो उसी तरह से बो करके अपनी ग्रैंड माँ को परी जो है वो डराती है। इट वॉज 8 AM एंड परी हैड वॉकन अप टू द डिलीशियस स्मेल फ्रॉम द किचन। लगभग 8 बज चुका था यह समय, इस समय लगभग 8 बजे थे। एंड परी हैड वॉकन अप टू डिलीशियस स्मेल फ्रॉम द किचन, और परी जो है वो हैड वॉकन अप टू द डिलीशियस स्मेल फ्रॉम द किचन। किचन से जो जायकेदार महक आ रही थी, बहुत अच्छी सी महक आ रही थी, उसके लिए उसे उठाया गया था, मतलब वह कुछ खाने जा रही थी। ग्रैंड मदर्स ने उसे उठाया, डिलीशियस स्मेल ने ही उसे उठाया था। ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज ऑलवेज अ स्पेशल प्लेस टू गो टू, स्पेशली बिकॉज ऑफ द गुड फूड टू ईट एंड द बिग हाउस इन द आउटस्कर्ट्स टू रन अराउंड इन। ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज ऑलवेज अ स्पेशल प्लेस टू गो टू, स्पेशली बिकॉज ऑफ द गुड फूड टू ईट। जो ग्रैंड मदर्स का घर होता है, दादी का या फिर जो नानी का जो घर होता है, वहाँ जाना वो एक बहुत मुख्य प्लेस होता है, ठीक, स्पेशली मुख्यतः, बिकॉज ऑफ द गुड फूड टू ईट, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाना, बहुत अच्छा खाना मिलता है, खाना खाने को मिलता है। एंड द बिग हाउस इन द आउटस्कर्ट्स टू राउंड अराउंड इन, और उनके आसपास जो है, जो बड़े बड़े घर हैं आसपास, अब लोग घूमते हैं नहीं, तो वहाँ भी उनको घूमने का, दौड़ने का, बच्चों को मौका मिलता है, इसलिए वह बहुत मुख्य होता है, बहुत अच्छा होता है। सी हग ग्रैंडमा एंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग। सी हग्ड ग्रैंडमा, उन्होंने अपनी दादी को, अपनी नानी को जो है गले लगाया, एंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग, और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। व्हाई आर देयर न्यू टोमेटोज एंड चिली प्लांट्स इन द वेरांडा, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ ये नए टमाटर और मिर्च के पौधे बरामदे में क्यों हैं। परी आस्क्ड क्यूरियसली, परी जो है वो हैरानी से पूछती है, थोड़ा सा परेशान होकर पूछती है। परी वॉन्डर्ड व्हाई ग्रैंडमा वुडंट बाय वेजिटेबल्स, परी हैरान है, आश्चर्यचकित है कि ग्रैंडमा जो है उसकी, वह सब्जियां खरीदती क्यों नहीं है फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, एंड इंस्टीड वुड ग्रो हर ओन, उसके बजाय वो खुद ही उगाती थी। I have difficulty in getting fresh food. मुझे कोई कठिनाई, ताजे मतलब अच्छे भोजन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। The vegetables I buy from the market nowadays have either the smell or of chemicals or are stale, said grandma disappointedly. ग्रैंडमा जो हैं, जो उसकी नानी हैं, आप लोग यहाँ नानी की बोल सकते हैं, जो नानी हैं, डिसअपॉइंटेडली, निराश होकर, थोड़ा सा परेशान होकर आप लोग कह सकते हैं, वो कह रही हैं कि द वेजिटेबल्स आई बाय फ्रॉम द मार्केट नाउ डेज, आजकल जो सब्जियां हम लोग खरीदते हैं बाज़ार से, द स्मेल ऑफ केमिकल्स और आर टेल स्टेल, उसकी जो महक होती है उसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ की महक आती है, और उसका बहुत मतलब बदबूदार होते हैं वो। सो आई डिसाइडेड to start my own rooftop garden, she added. वह कहती हैं, मतलब उन्होंने कहा कि वह, I decided, मैंने निर्णय किया है, to start my own rooftop garden, कि मैंने अपने छत के ऊपरी भाग पर बगीचा बनाना शुरू किया है, उन्होंने निर्णय किया है कि वह बगीचा बनाएंगी। Grandma took Pari to the terrace and
sowed the other vegetables she was growing. Grandma जो है अपनी वो जो परी को ले जाती हैं कहाँ पर, टेरेस पे जहाँ उन्होंने सीढ़ीदार बनाया हुआ है खेत जहाँ उन्हें पौधे उगाने हैं. Sowed the other vegetables she was growing. और वह दिखाती हैं जहाँ पे अन्य सब्जियाँ भी उग रही थी. Excited, उत्सुक होकर परी began, परी ने शुरू किया plucking ladies' fingers, भिंडी को तोड़ना, बिटर गार्ड्स करेले को, कैरेट्स गाजर को, एंड लीफी वेजिटेबल्स और जो पत्तियों वाले सब्जियां थी इन सबको परी ने उत्सुक होकर तोड़ना शुरू कर दिया. दे आल्सो प्लग चिलीज एंड टोमेटोज इन द वरांडा. और उसने मिर्च और टमाटर भी वरांडा से तोड़े. परी हैड नेवर सीन कैरेट प्लांट्स. परी ने कभी भी गाजर के पौधे नहीं देखे थे. एंड वॉज फैक्सिनेटेड टू सी. और वह इसे देखकर बहुत खुश हुई, मंत्रमुग्ध हुई. फैक्सिनेटेड मीन मतलब जो आकर्षक हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मंत्रमुग्ध करने वाला हो. तो उसे देखकर उसे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई वह देखकर, अट्रैक्ट हुई उससे. कैरेट्स आर रूट वेजिटेबल्स एंड ग्रो अंडर द ग्राउंड. कैरेट्स जो गाजर होती है आप लोग जानते होंगे वो क्या होती है, नीचे उगती है. जैसे पोटैटो होती है, आलू जैसे होती है, वो क्या होती है, अर्थ के नीचे होती है, ज़मीन के नीचे होती है. पत्तियाँ बाहर निकली हुई होती हैं और कैरेट और पोटैटो ये सब जो हैं ये उसके अंदर होते हैं. तो ये रूट्स, रूट वेजिटेबल्स हैं, इनकी हम लोग रूट्स खाते हैं. ग्रो अंडर द ग्राउंड और ये ज़मीन के नीचे उगती हैं. बिटर गार्ड्स, बिटर गार्ड मीन्स क्या होता है, करेला. वर क्लाइंबर्स विच मेड द वॉल लुक सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. करेला जो होता है, वर क्लाइंबर्स ये चढ़ जाते थे, चढ़े हुए होते हैं. विच मेड द वॉल लुक सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, जिससे क्या होती है, जो वॉल होती है, जो दीवार होती है हम लोगों की, लुक सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत हरी भरी और सुंदर दिखाई पड़ती है. ऑन गेटिंग बैक टू द हाउस, परी हरीडली रैन टू वॉश अ वेजिटेबल एंड पुट इट इन हर माउथ. और घर वापस आकर परी ने जल्दी से रैन टू वॉश अ वेजिटेबल, उन सब्जियों को धोया. एंड पुट इट इन हर माउथ, और अपने मुंह में उसे रख लिया, मतलब उसने उसे खाना स्टार्ट कर दिया और आवाज़ निकलती ईव, मतलब देखेंगे अभी आप लोग. परी स्क्रीम्ड चीविंग अ रॉ बिटर गॉर्ड. परी जो है स्क्रीम्ड चीखती है, चीविंग मतलब चबाते हुए, अ रॉ एक कच्चा बिटर गॉर्ड करेला. एंड मेड अ सॉर फ्री सॉर फेस, और एकदम मतलब जैसे तीखा खा लेने के बाद आप लोगों को फेस हो जाता है, जैसे करेला तीखा होता है ना, उसको खा लिया. उसने क्या किया, एक उसका कच्चा करेला उसने थोड़ा सा खा लिया, और उसने कैसा एकदम जैसे तीखा लगने के बाद आप लोग फेस बनाते हो उसी तरह उसने मुंह बना लिया. ग्रैंडमा हैड अ गुड लाफ एंड टोल्ड परी दैट सम फूड टेस्टी यम ओनली आफ्टर कुकिंग. ग्रैंडमा जो थी, उसकी नानी जो थी, वह खूब ज़ोर से हंसने लगी, मीन्स उन्होंने वो खूब हंसी. एंड टोल्ड परी, और परी से कहा, सम फूड टेस्टेड, कुछ भोजन जो है तभी अच्छे होते हैं, ओनली आफ्टर कुकिंग, सॉरी मतलब कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो केवल बनाने के बाद ही अच्छे लगते हैं, मतलब कच्चा नहीं खाना चाहिए. कुछ सब्जियां भी ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं, जैसे गाजर वगैरह है तो इसको हम लोग कच्चा खा सकते हैं, वो अच्छी लगती है, लेकिन करेला तीखा लगता है ना. यम द फूड इज़ सो गुड एंड टेस्टी, एक्सक्लेम्ड परी ड्यूरिंग लंच. और जब लंच उन्होंने किया उन लोगों ने, तब परी ने कहा कि फूड इज़ गुड, सो गुड एंड टेस्टी, खाना बहुत अच्छा है और टेस्टी है. ऑफकोर्स वास्तव में इट इज़ या है, एंड इट इज़ नॉट ओनली फ्रेश एंड टेस्टी बट आल्सो न्यूट्रियस, न्यूट्रीशियस एंड हेल्दी, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, कंटेन्स ट्रेडिशनल स्पाइसेस विच हेल्प इन डाइजेशन, इम्प्रूव इम्यूनिटी विच विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, एक्सप्लेन ग्रैंडमा. ऑफकोर्स वास्तव में इट इज़ या है, मतलब या वास्तव में स्वादिष्ट है, वो जो दादी माँ है वो भी कह रही हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली फ्रेश, और यह ना ही केवल ताज़ा है, एंड टेस्टी और स्वादिष्ट है, बट आल्सो न्यूट्रीशियस, या पोषक भी है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को पोषक तत्व भी मिलेंगे, एनर्जी भी मिलेगी. एंड हेल्दी, और लाभप्रद है स्वास्थ्य के लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नेचुरल या प्राकृतिक है. कंटेन्स ट्रेडिशनल स्पाइसेस विच हेल्प इन डाइजेशन, और इसमें उन्हीं चीज़ों को डाला गया है, वही मसाले इस्तेमाल किए गए हैं जो कि डाइजेशन हम लोगों को के जो भोजन है उनको अच्छे से पचाते हैं, पचाने में सहायता करते हैं. इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरक्षा, जिस जो हम लोगों को बीमारी होती है
वो जो अगर हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो क्या करती है, बीमारियों को रोगों को भगा देती है। तो इम्प्रूव इम्यूनिटी इन सारे भोजन को, ऐसे ही भोजन खाने से हम लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। विच विल मेक यू स्ट्रोंगर, जो आपको बहुत मजबूत बनाएगी। एक्सप्लेन ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ ने ये सारी चीज़ें बताई। वॉट डज न्यूट्रीशियस मीन, पोषक, वो पूछ रही है पोषक तत्व, पोषक चीज़ें, चीज़ों का क्या मतलब होता है, ये क्या है। आस्क परी लुकिंग इंटेंटली बट ऑल्सो कन्फ्यूज, परी ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा लेकिन वह कन्फ्यूज, थोड़ा सा परेशान भी हुई, कन्फ्यूज भी हुई। कैरेट्स एंड लीफी वेजीज यू लाइक आर गुड फॉर योर आइज़। अब जो ग्रैंड माँ है वो शायद बता रही हैं कि कैरेट्स, जो गाजर होती है, एंड लीफी वेजीज और जो पत्तियों वाली सब्जियाँ होती हैं, यू लाइक, जिन्हें आप पसंद करते हो, आर गुड फॉर योर आइज़, वो अपनी आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। एंड द बिटर गार्ड इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, और जो बिटर गार्ड मीन्स करेला जो होता है वो क्या करता है, आप लोगों को डाइजेशन को अच्छा करता है और सुदृढ़ बनाता है। जो हम लोग करेला खाते हैं उससे क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो आसानी से पच जाता है, वो पचाने में बहुत सहायक होता है। दे आर गुड फॉर योर हेल्थ, ये हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड रेगुलरली, एक्सप्लेन ग्रैंड माँ ने बताया। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, यह जानना, यह सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है अबाउट इसके बारे में, एंड ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड रेगुलरली, कि हम लोगों को ताजे और स्वास्थ्यप्रद लाभप्रद भोजन को निरंतर करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। आई लव गुड फूड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ न्यूट्रीशियस, परी सेड लाइक सी वॉज एन एक्सपर्ट नाउ। आई लव गुड फूड, मैं अच्छा भोजन पसंद करती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, केवल टेस्ट के लिए नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ न्यूट्रीशियस, क्योंकि इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। मतलब वो कह रही है कि मुझे भोजन जो है स्वाद के लिए नहीं पसंद आते बल्कि पोषक तत्व के लिए पसंद आते हैं। पर ही सेड लाइक सी वॉज एन एक्सपर्ट नाउ, वो ऐसे बोलती है जैसे अब वह बहुत एक्सपर्ट हो गई है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के बारे में पता हो गया, कौन कौन सी सब्जी किस किस के काम आती है, कैसे कैसे हम लोगों को फ़ायदा करती है वो, किस तरह से हम लोगों को खाना चाहिए, ऐसे वो बोल रही है। आफ्टर लंच के बाद ग्रैंड माँ आस्क परी टू ब्रिंग लेफ्ट ओवर्स एंड वेजिटेबल्स पील्स टू पुट इन द कंपोस्ट पिट। लंच के बाद क्या होता है, परी जो है सब्जियों को छीलती है टू पुट इन टू द कंपोस्ट पिट, और इसे जो एक गड्ढा होता है, गड्ढा है जिसमें वनस्पति खाद बनाया जाता है, उसमें उसको छिलके को, सब्जियों के छिलकों को रख देती है। ग्रैंड माँ एक्सप्लेन हाउ देयर इज़ सो मच ऑफ वेस्ट दैट इज़ एवरीवेयर एंड इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम। ग्रैंड माँ एक्सप्लेन, ग्रैंड माँ व्याख्या करती हैं, बताती हैं कि हाउ देयर इज़ सो मच ऑफ वेस्ट, किस तरह से बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट, वेस्ट जो है होता है, दैट इज़ एवरीवेयर, और वह हर जगह होता है, एंड इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम, जिससे समस्या उत्पन्न होती है, ठीक, समस्या आ जाती है। यस, हाँ, we have to close the windows of the car when passing by a area by the area near the dump yard because of the stink, said pari. ab pari keh rahi yes haan we have to close, hum logon ko band karna padta hai, the windows, khidkiyon ko of the car, car ki, hum logon ko car ki khidkiyon ko band karna padta hai, when passing by the area near the dump yard, jab hum log aise sthan jahan pe kooda karkat fenka jata hai, jo kharab sthan hote hain, jo gande sthan hote hain, wahan se jab hum log guzarte hain, तो वहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपनी कार की खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टिंग, क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आती है, वो बहुत बदबू मारते हैं, सेट परी, परी कहती है। अब ग्रैंड माँ एक्सप्लेन हाउ मोस्ट ऑफ द वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। ग्रैंड माँ बताती हैं कि कहती हैं हाउ मोस्ट ऑफ द वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड, किस तरह से जो कूड़ा होता है, करकट होता है, जो वेस्ट होता है, उसे हम लोग किस तरह से फिर से किसी प्रयोग में ला सकते हैं। सी टोल्ड हर हाउ लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड
अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल्स वेस्ट एंड ड्राई लीव्स कैन बी इजली कंपोस्टेड. सी टोल्ड हर, हम वह बताती हैं हाउ लेफ्ट ओवर कुक्ड फूड, अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल्स वेस्ट एंड ड्राई लीव्स कैन बी इजली कंपोस्टेड, कि किस तरह से जो बनाने के बाद जो खाना बचता है और अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल्स जो कुछ कच्ची सब्जियां होती हैं जो नहीं बनाई गई होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं. ठीक, कुछ कच्ची सब्जियां ऐसी भी होती हैं ना जो वेस्ट हो जाती हैं, कुछ फ्रेश जो होती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ जो उसका वेस्ट बचता है और ड्राई लीव्स जो सूखी पत्तियां होती हैं कैन बी इजली कंपोस्टेड, उसको हम लोग आसानी से उसको रिसाइकल करके रीयूज़ करके कंपोस्टेड वनस्पति खाद उसके द्वारा बना सकते हैं. एंड विथ अ रूफ गार्डन एट हर डिस्पोजल सी गेट्स ऑल द कंपोस्ट सी नीड्स फॉर हर गार्डन. एंड विथ अ रूफ गार्डन एट हर डिस्पोजल, और उसे देखिए जब हम लोग खाद वगैरह जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं किसी डिस्पोजल में या फिर किसी चीज़ में उसको कलेक्ट कर लेते हैं. सी गेट्स ऑल द कंपोस्ट सी नीड्स फॉर हर गार्डन, और वह उसका क्या करते हैं उसका प्रयोग करते हैं सी नीड्स फॉर हर गार्डन, और उसका जो जिन पौधों को ज़रूरत होती है खादों की वो उसमें डाल देती हैं उसको. बट वॉन्ट इट स्मेल बैड टू हैव कंपोस्ट इन द बैक यार्ड, आस्क परी. ग्रैंड मा एक्सप्लेन दैट टर्निंग द कंपोस्ट पाइल रेगुलरली विल कीप द बैड स्मेल ऑफ. बट वॉन्ट इट स्मेल बैड टू हैव, वुडंट इट स्मेल बैड टू हैव कंपोस्टेड इन द बैक यार्ड, क्या जब बैक यार्ड में पीछे साइड घर के जहाँ इसको कंपोस्ट रासायनिक खाद जो बनाई जाती है जो बनाती हैं क्या ये बदबू नहीं करती, खराब महक इसकी नहीं आती. आस्क परी, परी पूछती है. ग्रैंड मा एक्सप्लेन, ग्रैंड मा बताती हैं व्याख्या करती हैं दैट की टर्निंग द कंपोस्ट पाइल रेगुलरली, जब निरंतर हम लोग जो गड्ढे में वनस्पति खाद को पलटते रहते हैं उसको निकाल के दूसरी जगह यूज़ करते रहते हैं विल कीप द बैड स्मेल ऑफ, हम लोग जो बदबू होती है उससे दूर रहते हैं, क्योंकि बार बार जब वहाँ से हटाया जाएगा दूसरे वेस्ट लाए जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा वेस्ट किसी जगह कलेक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो, तभी बहुत ज़्यादा स्मेल करता है. आई वॉन्ट टू ग्रो माई फूड नाउ बट हाउ विल आई इन द स्मॉल अपार्टमेंट वी लिव इन, सेड परी हु वॉज नाउ कन्फ्यूज. परी कहती है आई वॉन्ट टू ग्रो माई फूड नाउ, मैं भी अब अपना भोजन खुद उगाऊंगी, मतलब वो भी सब्जियां उगाने के लिए बोल रही है, चाहती है उगाना चाहती है वो. आई वॉन्ट टू ग्रो माई फूड नाउ, मैं अब अपने भोजन अपनी सब्जियां उगाना चाहती हूं. बट हाउ विल आई, लेकिन मैं करूँगे कैसे, इन स्मॉल अपार्टमेंट वी लिव इन, हम लोग एक छोटे से घर में छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं. सेट परी, परी कहती हु वॉज नाउ कन्फ्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा अब थोड़ा सा परेशान है. इट इज़ वेरी इजी, यह बहुत आसान है. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता करूँगी. यू हैव अ स्मॉल किचन गार्डन एंड कंपोस्ट पिट, मैं तुम्हारे पास एक छोटा सा किचन होगा, गार्डन एंड कंपोस्ट पिट, गार्डन मतलब बगीचा एंड कंपोस्ट पिट, और एक जहाँ रासायनिक खाद बनाने का जो गड्ढा होता है उसको. व्हेन आई एम एट योर हाउस फॉर योर बर्थडे प्रॉमिस्ड ग्रैंडमा, वो कह रही हैं उनकी जो ग्रैंडमा हैं उनकी जो नानी है वादा करती हैं, जब मैं तुम्हारे बर्थडे पर आऊँगी आई एम एट योर हाउस फॉर योर बर्थडे, तो तुम्हारे लिए ये सब होगा कि एक गार्डन होगा और उसमें जो गड्ढा बनाया जाएगा रासायनिक खाद बनाने का वो सब मैं करूँगी, देखूँगी उसके बारे में. Which plants do I want in my kitchen garden? Thought परी, परी सोचती है कि जो मेरा किचन गार्डन होगा, जो मेरे किचन में यूज़ होने वाली सब्जियां वगैरह जो है वो वाला जो बगीचा होगा उसमें कौन कौन से पौधे होते हैं होंगे. Which plants do I want in my kitchen garden? उसमें कौन कौन सा पौधा लगाया जाएगा, कौन कौन सा पौधा होगा. Grandma had managed to plant another seed successfully, but this time in परीज क्यूरियस माइंड. ग्रैंडमा ने सब कुछ मैनेज किया, व्यवस्थित किया टू प्लांट पौधों से एनअदर सीड्स सक्सेसफुली, और जो अन्य जो बीज होते हैं सक्सेसफुली सफलतापूर्वक. बट दिस टाइम इन परीज क्यूरियस माइंड, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो परी का दिमाग था या क्यूरियस माइंड था, जैसे बच्चे होते नहीं हैं तुरंत वो जिद करने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी बनना ही बनना चाहिए. तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त होता है. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी,
देन यू कैन आस्क स्कूल्स व्हाट्सएप नंबर 8576879375। थैंक यू।